नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। और ये हम अभी हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गौर न्यूज 24, गौर न्यूज 24 को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती पर मिलेगा मुआवजा। एमपीआरसी ने तय की गाइडलाइन, बिजली विभाग निर्धारित करेंगे मुआवजे की राशि। तो चलिए, क्या है, किसको फायदा होने वाला है, सभी जानकारी हम देंगे। कौन कौन को मुआवजा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, यह सभी जानकारी आपको देंगे। तो 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती अगर आपके यहाँ होती है, वैसे गाँव में अगर 24 घंटे लाइट है, शहर में 24 घंटे लाइट है, और अगर उसमें बिजली कटौती होती है बिना अनुमति के, तो आपको इसका मुआवजा मिलेगा। ये न्यूज आई थी दोस्तों दैनिक भास्कर में 30/11/2024 को। यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो 4 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। बिजली सप्लाई बंद होने के कारणों की जानकारी जुटाने के बाद बिजली विभाग मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा। यानी कि किस कारण से बिजली की कटौती की गई थी, उस हिसाब से आपको जो है मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा। विद्युत विभाग ने इस निर्णय से उपभोक्ता ने राहत की सांस ली है। व्हाट्सएप पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़िए ताकि आपको हर एक वैकेंसी का अपडेट यहां पर मिलते रहे। एमपीआरसी ने तय की गाइडलाइन, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सिटी सर्किल कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक यंत्री संजय अरोड़ा ने बताया कि एमपीआरसी ने यह गाइडलाइन लागू की है। इसके तहत सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे में से ज्यादा बिजली गोल होने पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर 24 घंटे में से 10 घंटे या 5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे बिजली गोल रहती है, तो उसका आपको जो है वो मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। जबलपुर जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुआवजे की राशि का समायोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। समय पर विद्युत आपूर्ति कराने करने की कवायद, पूर्व में विद्युत आपूर्ति प्रबंधन होने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इसके सुधार कार्य में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा आरंभ की गई नई व्यवस्था से लोगों को काफी राहत मिल सकेगी, क्योंकि विद्युत महकमे कम पर सुधार करने का दबाव, जिसके कारण सुधार कार्य जल्दी हो सकेंगे। इस नए व्यवस्था से विद्युत उपभोक्ता ने नई राहत की सांस ली। अगर कहीं लाइन खराब हो जाती तो उसे सुधारने में टाइम लगता था, परंतु अभी जो विद्युत विभाग द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की है कि अगर 24 घंटे में जितने घंटे भी कम लाइट आपको मिलेगी, उतनी आपको मुआवजा राशि दिया जाएगा। और जहां पर जो तार टूटा है, कुछ भी खंबा टूटा, तो उसे सुधारने पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपको मुआवजे की राशि मिलेगी। इस कारण से आपसे विद्युत वितरण कंपनी को ग्राहकों को क्या गारंटी देनी होगी, यह बताया जा रहा है। डिस्काउंट सभी उपभोक्ताओं को 24x7 मतलब हफ्तों के 7ों दिन 24 घंटे लाइट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्काउंट को विद्युत कटौती की निगरानी और उससे बहाल करने के लिए संचालित उपकरणों के लिए साथ एक तंत्र विकसित करना होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिएगा। 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती पर आपको मुआवजे की राशि दी जाएगी बिजली कंपनी द्वारा। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अपडेट पाने के लिए, वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए, योजनाओं की जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।